ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष को मिला पूजा का अधिकार। 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। जिला प्रशासन वहां जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करे, 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहां पे अरेंजमेंट करेगा वहां तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा जी। सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने के अनुरोध। एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। नमस्कार, मैं सन्नी तिवारी और आप देख रहे हैं दैनिक हॉक। ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष को मिला पूजा का अधिकार। ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला आया है, हिंदू पक्ष को मिला पूजा करने का अधिकार। बुधवार को वाराणसी जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि हिंदू पक्ष व्यास जी तहखाने में नियमित रूप से पूजा कर सकते हैं। कोर्ट का फैसला आते ही हिंदू पक्ष में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और पूरा काशी बम बम के नारों से गूंज उठा। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। मुस्लिम पक्ष के दावे को कोर्ट ने नकार दिया है। कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को 7 दिनों के भीतर पूजा की व्यवस्था करने का आदेश जारी किया है। आइए सुनते हैं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के फैसले के बाद क्या बड़ी बातें कही। 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। जिला प्रशासन वहां जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करे, 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहां पे अरेंजमेंट करेगा वहां तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा जी। सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने के अनुरोध। एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करे। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ लोग? 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने में पूजा करने जरूर जाएगा जी? बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो कौन कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए वहाँ पे, वही मैं बता रहा हूँ, उसकी नीटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है, अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी? 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर जी? कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी जी? सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने के अनुरोध। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था, आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहाँ पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजूखाने का सर्वे है? वजूखाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो। कोर्ट में देखिए, जो 1993 से जो ब्यास जी के तहखाने में ब्यास जी को कब्जे से मुक्त करके धार्मिक क्रियाओं पर रोक लगा दिया था तत्कालीन सरकार ने, उसको कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार ब्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिस पे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को, और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए। और एक सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लेन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। बिल्कुल होगा, उनको मेल कर दिया गया, लेकिन अब वो बात होगी उनसे कि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द, बिल्कुल जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, इसको कंप्लेन करे, ऐसी मांग हम लोगों की है।